गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गुड़गांव सेमर टोली निवासी एक महिला की गला रेत कर व पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और मोबाइल बेल्ट भी बरामद की है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गुड़गांव सेमर टोली निवासी सुनीता ओड़ायन को गला रेत कर व पत्थर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सुनीता के हत्यारोपी चारकू उर्राव उम्र 35 वर्ष, जग्गू उर्राव उम्र 23 वर्ष और शुरू उन्राव उम्र 57 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और मोबाइल बेल्ट सहित अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है, जिस पर सूचना पर तुरंत वहां पर घाघरा पुलिस पहुंची और पहुंची तो वहां पर एक महिला का शव पाया गया, जिसको तेज धार हथियार से वार करके और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पर जांच छानबीन के क्रम में वहां पर बिरिया उड़ाव नाम का व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने अपनी उस मृतिका को सुनीता उड़ाइन के नाम पहचान किए। वो बताया कि ये हमारी सगली बेटी है, जिसकी शादी गढ़गांव सेमर टोली सिन्हा की में शादी किए थे बंधु उड़ाव के साथ। उसके वहाँ पर घटनास्थल पर मोबाइल, चाकू और बेल्ट, खून लगा पत्थर वगैरह बरामद हुआ। वहाँ पर तुरंत ही थाना पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क किया गया। उनके दिशा निर्देश पर वहाँ प्राप्त मोबाइल से हम लोग तकनीकी अनुसंधान करते हुए संदेह के रूप में उसके भैंसुर चरकू उड़ाव को गिरफ्तार किए और चकू का गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करें, वो अपने अपराध स्वीकार किए, बताया कि पारिवारिक झगड़ा और के कारण इस क्योंकि उनकी मृतिका से उसको लड़ाई झगड़ा होता था, उसको से तंग आकर हम और चचेरा भाई जग्गू उड़ाव और पिताजी शिरू उड़ाव तीनों मिलकर उसकी हत्या की है।